नमस्कार, आप सबका स्वागत है। दुनिया भर में लोग जहां कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं, वहीं आर्कटिक सिटी नोरिलस्क में हालात और भी भयानक हैं। यहां शुक्रवार रात से शुरू हुई बर्फबारी इस हालात में पहुंच गई है कि शहर के अंदर और पड़ोसी शहरों को जाने वाले रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। यहां सिर्फ 5 मिनट में ही बर्फबारी से पूरी कार बर्फ में दब गई। इस वक्त यहां का पारा -55 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। बता दें, सोवियत यूनियन के दौर में यहां कैदियों को काम करने के लिए भेजा जाता था। रूस का ये रिमोट इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां कई तरह के चैलेंज के साथ रहने का मजा भी है। यहां मकानों से लेकर घर तक सब बर्फ में दब गए हैं। यहां एक लोकल शख्स ने बताया कि वो अपनी कार सिर्फ मिनट के लिए छोड़कर गया था, लेकिन जब लौटा तो पूरी कार बर्फ में दब चुकी थी। रूस के इस इलाके की फोटो और वीडियो सामने आए हैं। कहीं मकान के सेकेंड फ्लोर की खिड़कियों के ऊपर तक बर्फ जमा हो जा रही, तो कहीं पार्किंग में खड़ी कारें बर्फ में दब गई हैं। एक लोकल महिला ने घर से एटीएम की ओर जाने वाले रास्ते की फोटो शेयर की है, जो बर्फ से खचाखच भरा दिखाई दे रहा। यहां -55 डिग्री सेल्सियस में इतनी बर्फबारी हो रही कि देखते ही देखते साफ सुथरी सड़क पर बर्फ की चादर भी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार रात से शुरू हुई इस असाधारण बर्फबारी के चलते शहर की बर्फ हटाने वाली मशीनों भी काम नहीं कर रही हैं। पड़ोसी कस्बों को जाने वाले रास्ते भी ब्लॉक हो गए हैं। आर्कटिक के इस शहर में इस वक्त पोलर नाइट्स चल रही हैं। इस दौरान 6 हफ्तों तक यहां दिन नहीं होगा, सिर्फ 24 घंटे रात रहेगी। साइबेरियन टाइम्स के मुताबिक इन दिक्कतों के साथ ही लोकल लोग इस बर्फबारी का मजा भी ले रहे हैं। यहां इस वक्त 1,75,000 लोग रह रहे हैं।